हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी एंड विंग क्लाउड से छुड़ के चला गया था। लंजा फिर से अकेला पड़ गया था, बट लंजा अपने आप को काम में बिजी रखता था। अब विंग को गए हुए 4 दिन हो गए। आज सियायुन लंजा के पास आया। सियायुन को देख के लंजा को समझ में आ गया कि वो कुछ कहना चाहता है, क्योंकि अब उसका बेटा छोटा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। अब वो 12 इयर्स का हो चुका है। उसने लंजा को हेजिटेंटली कहा, फूचिन। लंजा ने पूछा, क्या बात है? सियायुन ने कहा, फूचिन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंजा को समझ में आ गया कि वो क्या पूछना चाहता है। लंजा ने पूछा, क्या ये क्वेश्चन मेरे प्राइवेसी का है? सियायुन ने नोट किया। कुछ टाइम बाद सियायुन ने कहा, फूचिन, मैंने सुना है कि। तभी लंजा ने कहा, शियाओ। ये बोल के लंजा रुक गया, क्योंकि अब वो सियायुन को सियायुन नहीं कह सकता, वो अब लान सी है। तो लंजा ने कहा, सी, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे हमेशा फ्रीली एंड क्लियरली कहो। तुम्हें मुझसे बात करते टाइम डरने की ज़रूरत नहीं है। सियायुन ने कहा, फूचिन, मैंने सुना है कि येलिंग पैट्रियार्क वो किसी और की बॉडी में वापस आ गए हैं। लंजा ने कहा, एंड तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने जिसे यहाँ पे लेकर आया था मेरे घर पे, वो वही इंसान है या नहीं? सियायुन ने नोट किया। कुछ टाइम के लिए लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया। दिल लंजा ने कहा, हाँ, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। सियायुन ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इनफैक्ट मैं तो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि उनके जैसे एक रिप्यूटेड इंसान एक पेपरमैन के साथ खेल सकता है। ये सुन के लंजा ने एक सॉफ्ट ब्रेथ लिया एंड स्माइल किया एंड कहा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम उनके बारे में नहीं सोच सकते, वो सिर्फ वही कर सकता है। कुछ टाइम के लिए सियायुन ने लंजा को ध्यान से देखा। देन उसने कहा, पापा, क्या आप उनसे प्यार करते हैं? ये सुन के लंजा बिल्कुल चुप हो गया। देन कुछ टाइम बाद उसने स्टर्नली कहा, क्या ये तुम्हारे लिए जानना या जज करना ज़रूरी है? ये सुन के शी ने कहा, नहीं पूछिन, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ क्यूरियस था। एक्चुअली जब से वो यहाँ से गए हैं, अब तब से बहुत ही ज़्यादा सैड है, मैं आपके लिए बहुत ही वॉरिड हूँ। ये सुन के लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ एंड उसने अपने हेड को शेक किया। देन कुछ टाइम बाद सी ने कहा, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए क्यों नहीं कहे? लंजा ने एक हेवी शाई की और कहा, क्योंकि मुझे पता है अगर वो ना भी चाहता फिर भी वो यहाँ पर रुक जाता, बट ये उसका नेचर नहीं है, ये उसका हैप्पीनेस नहीं है। वो तो सबके फेस में स्माइल बांटता है, उसका हैप्पीनेस सबके साथ है। वो हमारे ऐसे लाइफस्टाइल नहीं जी सकता। क्लाउड रेसेस में बहुत सारे रूल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो वो नहीं सह सकता। ये सब उसके लिए नहीं है। वो ऐसे साइलेंटली शांत होके नहीं रह सकता एंड ना ही ये कभी हो पाएगा। वो तो एक फ्री बर्ड की तरह है। बट सी के फेस देख के समझ में आ रहा था कि सी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उन दोनों को बाहर बहुत सारे बर्ड्स के आवाज़ सुनाई दिया। वो दोनों बाहर गए। लंजा ने अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बर्ड को बंदी बना लिया, बट उसे हर्ट नहीं किया। वो दोनों उस बर्ड के पास आए। सी को वो बर्ड बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश था। उसने कहा, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैंने कभी भी किसी बर्ड को इतनी क्लोजली नहीं देखा है। लंजा ने कहा, और ना ही तुम कभी देख पाओगे, क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो? ये सुन के सी बिल्कुल फ्रोज हो गया। लंजा ने कहा, हम इसके लिए एक लार्ज ब्यूटीफुल केज बना सकते हैं, हम इसको हमेशा खाना खिला सकते हैं एंड हम इसे सब कुछ दे सकते हैं, इसे कहीं भी हंगर या फिर कोल्ड फील नहीं होगा, ये हमेशा सेफ एंड वार्म रहेगा एंड इसे कहीं भी भूख नहीं लगेगी। ये सब सुन के सी बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं फूचिन, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, क्यों नहीं? अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम इसे रख सकते हो, तुम इसे हर रोज़ देख सकते हो एंड एडमायर कर सकते हो। सी ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं फूचिन,
कभी भी नहीं, हम इसे लॉक करके नहीं रख सकते, ये कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसे फ्री होना है, यही इसका नेचर है। लंदन ने कुछ टाइम के लिए अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, एंड अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने क्यों विंग को नहीं रोका। ये सुन के सी बिल्कुल शॉक हो गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और नोट किया, लंजन उस बर्ड को आज़ाद कर दिया। कुछ टाइम बाद सी ने पूछा, क्या वो वापस आएंगे? लंजन अपने बेटे की फॉरन रिबन को ठीक कर रहा था और कह रहा था, उसने प्रॉमिस किया है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, एंड जब ये होगा मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ पर लेके जाऊँगा। ये सुन के सी के फेस में स्माइल आ गई। उसने कहा, थैंक यू पापा, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। वो भी विंग को बहुत मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। उस रात को लंजा सो नहीं पाया, विंग की यादें उसे खा जा रहा था। वो विंग को बहुत मिस करता है, वो किसी के सामने अपने फीलिंग्स को नहीं दिखा सकता, बट वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था, ये आंसू वो किसी के सामने नहीं दिखा सकता। कुछ हफ्ते हो गए, सिजुई भी वेंडिंग के घर से अब वापस लौट आया है, एंड उसने लंजा के साथ बात भी किया। लंजा को लगा था कि शायद सिजुई उस पर गुस्सा होगा, बट सिजुई उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। सिजुई को लगता था लंजा ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है, यही करना चाहिए था। अब 4 महीने हो चुका है विंग को गए हुए। एक दिन लंजा को एक लेटर आया। उस लेटर को लंजा ने अपने कपकपाते हुए हाथों से ओपन किया। वो लेटर विंग का था। विंग ने लिखा है, लंजा आई होप तुम बिल्कुल ठीक हो, एंड बॉयज़ भी बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बन सकता। मैं ये लिख तो रहा हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये तुम्हें भेजूँगा या नहीं, बट अगर तुम ये पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं ये भेज चुका हूँ। मैं सच में तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, बट मेरे पास कोई और है भी नहीं जिसको मैं कंप्लेन करूँ। क्या मैं ये लेटर जियांग चेंग को लिखूँ? मुझे पता है कि वो जीरियन से मेरा टांग तोड़ने का धमकी देगा, बट सच कहूँ तो मेरे मन में जो कुछ भी है मैं सब कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं ये सब कभी बोल नहीं पाऊँगा। ये वर्ल्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे लगा था ये चेंज हो चुका है, बट ये तो पहले जैसा ही है। लोग जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। कहीं मैं किसी विलेज पे वेडिंग देखता हूँ तो कहीं पर फ्यूनरल। मून भी ऐसा ही शाइन करता है एंड शान भी ऐसा ही राइज करता है। कभी कभी मैं ये बहुत इन्जॉय करता हूँ कि मेरे लिए अब कोई भी नहीं है, अब मैं फ्री हूँ, मेरे लिए सिर्फ मैं ही हूँ। एंड कभी कभी मुझे ये सोच के बहुत ही बुरा लगता है कि सच में मेरे लिए कोई भी नहीं है मेरे अलावा। कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ सब कुछ भूलने के लिए, बट किसी भी ड्रिंक का टेस्ट एम्परर स्माइल जैसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, बट मुझे ये पता है कि मुझे अभी भी वो नहीं मिला और ना ही कहीं मिलेगा। मैं सच में शांति चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिला। अब मैं ट्रैवल करते करते थक गया हूँ, मैं अपने आइडेंटिटी छुपाते छुपाते थक गया हूँ। लंजा, माई पुअर लंजा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे परेशानी क्रिएट किया है, आई नो दैट। मैं शायद ये लेटर नहीं भेजूँगा, अगर मैंने भेजा है इसका मतलब मैं ड्रंक हूँ, मुझे माफ़ कर देना, अपना ख्याल रखना। योर्स विंग। लंजा ने ये लेटर 3 बार पढ़ा है, दिन उसने उस लेटर को फोल्ड करके रख दिया। अब वो एक पेपर एंड पेन लेके बैठ गया, क्योंकि उसे विंग को रिप्लाई भी तो करना है, पर उसे पता नहीं कि वो क्या कहेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो विंग को बहुत कुछ कहना चाहता है बट वो नहीं कह पाएगा। उसने हेजिटेंटली सिर्फ एक ही बात लिखी, विंग घर आ जाओ। 3 हफ्ते हो गए हैं, पता नहीं लंजा किस चीज़ का वेट कर रहा है, विंग के हाँ का या फिर विंग के ना का। वो चाहता है कि विंग वापस भी आ जाए, बट वो ये भी चाहता है कि विंग वापस ना आए। वो विंग को खुद के लिए वापस चाहता है, बट उसे पता है कि अगर विंग यहाँ पर रह गया तो उसे यहाँ का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि विंग यहाँ पर आ जाए। वो यही सब सोच के बैक हिल्स में चला गया एंड एक वाटरफॉल को देखने लगा।
उसे आज भी याद है, इस वाटरफॉल के ऊपर से ही उसने विंग को लास्ट टाइम बाय किया था। वो दोनों लास्ट टाइम वहाँ से ही अलग हो गए थे। लंजा यही सब सोच रहा था एंड वाटरफॉल को देख रहा था, तभी उसको वांगशियान सुनाई दिया। उसे लग रहा था कोई उसे फ्लूट में प्ले कर रहा है, बट ये कैसे हो सकता है? उसे लग रहा था शायद ये भ्रम है, ये सच नहीं है। वो वहाँ से जाने लगा, बट फिर भी उसे वो आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुन के लंचा का हार्ट बीट रुक गया। उसने हिम्मत जुटा के बीचन लेके वो पहाड़ी के ऊपर चला गया। उसने देखा कि ये सच है, कोई सच में इसे प्ले कर रहा है, वो भी फ्लूट में, एंड ये और कोई नहीं विंग है। विंग को पता नहीं चला कि लंचा वहाँ पर कब आ गया। देर लंचा ने विंग को कहा, विंग। ये सुनते ही वो म्यूज़िक रुक गया। स्लोली स्लोली विंग लंचा की तरफ मुड़ा। विंग के अंदर एक डर था कि शायद ये गलत है, शायद ये भ्रम है, लंजा उसके सामने नहीं है, बट लंजा उसके सच में सामने था। विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, लंजा मुझे तुम्हारा लेटर मिला। लंजा ने कहा, एंड तुम आ गए। विंग ने कहा, मैं आ गया। लंजा को पता नहीं कि वो क्या कहेगा। उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स थे, बट उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसने विंग को ध्यान से देखा। विंग के कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी एंड उसके जूते में भी। विंग के फेस बहुत ही पेल था। विंग ने बहुत वेट लॉस कर दिया है। विंग बहुत ही टायर्ड है। विंग को फूड एंड रेस्ट की ज़रूरत है। लंजा ने विंग को कहा, मेरे साथ आओ। देन उसने लिटिलैपर की तरफ देखा और कहा, क्या मैं इसको लेके जाऊँ? विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा लंजा ऑलवेज परफेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे वही सीन हुआ जब लंजा लिटिल रैबल को लेके जा रहा था एंड विंग लिटिल रैबल के ऊपर बैठा हुआ था एंड बांसुरी बजा रहा था। कुछ टाइम बाद वो लोग क्राउड्स में पहुंच गए। डिसिपल्स लिटिल रैबल को वहां से लेकर गए एंड लंजा विंग को जिंगशी में लेकर आया। लंजा विंग के लिए बात प्रिपेयर करने लगा, बट विंग वहां पे अनकंफर्टेबली खड़ा था। लंजा ने पूछा, विंग? विंग ने कहा, एक्चुअली पहले मुझे मेरे कपड़े धोना होगा क्योंकि ये क्लीन नहीं है। मैं तुम्हारे बेट को बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि अगर मैं आज फ्लोर पे ही। तभी लंजा ने कहा, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो, यहाँ के लॉन्ड्रीज तुम्हारे कपड़ों की टेक केयर कर लेंगे। लंजा को पता है कि विंग अभी मना करने वाला है, तो लंजा ने कहा, नहा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय एंड खाना लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, बट लंजा। लंजा ने कहा, तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा था? विंग ने एक शॉर्ट स्माइल की और कहा, हाँ तुमने कहा था, थैंक यू। लंजा ने नोट किया, देन वो वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद लंजा चाय एंड कुछ खाना लेके वापस आया। तब विंग नहा रहा था। विंग लंजा के पास है एंड वो नहा रहा है। ये सोच के ही लंजा को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। बट जब भी उसके अंदर ये थॉट्स आ रहा था कि विंग फिर से एक दिन चला जाएगा, उसका दिल टूट रहा था। वो नहीं चाहता कि विंग यहाँ से चला जाए, बट विंग यहाँ पर नहीं रह सकता इतने सारे रूल्स के साथ। अब वो दोनों डिनर करने लगे। उन लोगों ने डिनर बहुत ही साइलेंटली किया। लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया कि विंग गुसू के रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो विंग का नेचर नहीं है। विंग ने साइलेंटली डिनर किया, दिन वो बेड पर जाके सो गया। लंजा को सुनाई दिया कि विंग स्नोरिंग कर रहा है क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। अब कर्फ्यू हो गया, लंजा भी सो गया। लंजा को नाइटमेयर आया था। वो अंधेरे में दौड़ रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ही अंधेरा था। उसे कुछ वॉइस सुनाई दे रहा था। दौड़ते दौड़ते वो नाइटलेस सिटी पहुँच गया। यहाँ पर वही वॉर का सिचुएशन था एंड विंग क्लिप के पास था। उसने कहा, लंजा। लंजा को विंग दिखाई नहीं दे रहा था। उसने विंग को बहुत बार बुलाया एंड विंग भी लंजा को बुला रहा था, लंजा मेरी मदद करो। पर लंजा हर तरफ विंग को ढूंढ रहा था। उसे विंग की आवाज़ तो सुनाई दे रहा था, बट विंग दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली लंजा को विंग क्लिफ के पास दिखाई दिया। लंजा उसके पास जाना चाहता था, बट लंजा नहीं जा पा रहा था, वो अटक गया था। लंजा ने बहुत कोशिश की दौड़ने का, बट वो नहीं दौड़ पा रहा था। विंग ने कहा, लंजा मेरी मदद करो। बट लंजा कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसके अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। एंड फाइनली विंग का हाथ स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया। लंजा ने ज़ोर से चिल्लाया, विंग।
एंड उसके सामने फिर से अंधेरा छा गया। उसे विंग की आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग ने कहा, तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे? लंजा, क्यों? लंजा ने कहा, विंग, विंग। इस तरफ रियलिटी में लंजा सच में चिल्ला रहा था। विंग ने लंजा को बहुत बार बुलाया बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देन विंग ने जोर से लंजा को बुलाया। लंजा जड़क कर उठा। लंजा को समझ में आ गया कि ये एक नाइटमेयर है। लंजा ने विंग को पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? विंग ने कहा, हाँ, एक्चुअली तुम मुझे बुला रहे थे। ये सुन के लंजा ने अपने आईज क्लोज कर लिया और कहा, आई एम सॉरी। विंग लंजा के पास आया और कहा, लंजा, क्या ये नाइटमेयर था? लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं टाइम पे तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया। विंग ने पूछा, नाइटलेस सिटी? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया। लंजा को ये बात पता है बट ये बात विंग के ब्लेम का नहीं है, ये बात लंजा के अपने आप को ब्लेम करना है। विंग ने लंजा को कहा, लंजा, मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया है, मेरे पास कोई राइट या रीज़न नहीं था, मैंने खुद अपने डेट को चूज़ किया था। लंजा, मैं उस दिन डर गया था क्योंकि वो पत्थर टूटने वाला था एंड तुम मेरे साथ नीचे गिरने वाले थे। लंजा ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, मैं यही प्रेफर करता। विंग ने कहा, बट। लंजा ने कहा, तुम चले गए यानी ये मेरा फॉल्ट था। विंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, ये नहीं था, ये कभी भी नहीं हो सकता। लंजा, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, आई एम रियली सॉरी। विंग लंजा के बहुत क्लोज आ गया, बहुत ही ज़्यादा। उसने लंजा के हाथों को टाइटली पकड़ लिया एंड उसने दूसरे हाथ से लंजा के चीक को पकड़ लिया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग। वो दोनों बहुत क्लोज आ गए एंड फाइनली विंग ने लंजा के लिप में एक सॉफ्ट किस किया। लंजा ने अपने आईज बंद कर लिया। देन कुछ टाइम बाद विंग ने फिर से लंजा के लिप में किस किया, एक सॉफ्ट किस, एंड लंजा के हाथों को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग, प्लीज़ फिर से मुझे छोड़ के मत जाना, कभी भी नहीं। विंग ने कहा, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उन लोगों ने फिर से किस किया। अब ये किस धीरे धीरे सॉफ्ट से हॉट होते जा रहा था। किस करते करते वो दोनों एक साथ बेड के ऊपर गिर गए। लंजा विंग के ऊपर था, वो दोनों तभी भी किस कर रहे थे। उनका किस बहुत ही फार्मर था, वार्मर था। लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि फाइनली विंग उसके साथ है, उसके पास है, विंग उसे किस कर रहा है, विंग जिंदा है एंड फाइनली विंग उसका है। कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। विंग ने लंजा के नेक को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, देन यहाँ पर ही रुक जाओ, जितने दिन चाहो रुक जाओ। विंग ने कहा, अगर मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाऊँ तो? लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर जितना रहोगे मैं उतना हैप्पी होऊंगा। ये सुन के विंग के फेस में स्माइल आ गई। उसने कहा, लंजा, मैं सच में टायर्ड नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा किस करना चाहता हूँ, इनफैक्ट और भी कुछ करना चाहता हूँ। ये बोल के वो यर्निंग करने लगा। लंजा ने कहा, अगर तुम यहाँ पर रुके तो तुम्हें ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे, अभी के लिए रेस्ट करो। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया ना कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा, अब तुम मेरे साथ स्टक हो चुके हो। लंजा ने कहा, गुड। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रखा। दिन वो लंजा को हक करके सो गया। लंजा भी विंग को हक करके सो गया। सोने से पहले उसने विंग को कहा, ठीक से सोना। ये बोल के वो दोनों एक साथ सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।